बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विस्थापित कुसमी के अंतर्गत भदौरा, रूदा और मझगवां के ग्रामीणजनों की परेशानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा विस्थापन का आदेश जारी हुआ और 13 अप्रैल 2017 को इनके विस्थापन की घोषणा हो गई, परंतु उपाध्यक्ष महोदय आज के दिनांक तक इनका विस्थापन हो नहीं सका, क्योंकि इनको जो मुआवजे की राशि घोषित की गई थी वो प्रति यूनिट तत्कालीन नियमों के आधार पर थी। उपाध्यक्ष महोदय, गांव के बारे में अगर बात कहें तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की संवेदनाएं गांव से जुड़ी हुई होती हैं। गांव ऐसे ही नहीं बनते, पीढ़ियों का उनका श्रम लगता है, धीरे धीरे पसीने से कमाए हुए पैसों का अंशदान होता है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, मिट्टी से जुड़ाव होता है, तब जाकर गाँव बनता है। और ऐसे गाँव को छोड़ने की मजबूरी लोगों को तोड़कर रख देती है, खासकर ग्रामीण जनों को। उपाध्यक्ष महोदय, और यहाँ पर जो मुआवजे की राशि जो दी जा रही है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। आज मेरा विषय यही है उपाध्यक्ष महोदय, कि विस्थापन की परेशानी के साथ इनकी और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि केंद्र सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं, जो उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है और सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं जो आज गरीबों को उनके जीवन का स्तर ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, ये तीनों योजनाएं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि देश के भू अधिग्रहण कानून में हुए संशोधन के बाद मिलने वाले मुआवजे की राशि इन्हें दे दी जाए, और मेरा निवेदन है कि इस विषय में शीघ्रता से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इन्हें विस्थापन की समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद।